मेयर बैठी हुई है ये गूंगी भैरी, ये सुनने को तैयार नहीं है। कर्मचारियों के घरों में बिल्कुल भुखमरी के कगार पे हमारा कर्मचारी। आप जवाब दे हैं इसमें, आपको जवाब देना पड़ेगा। 5 तारीख से काम बंद हड़ताल है, 5 जोनों के कर्मचारी, 5 जोनों के ड्राइवर, 5 जोनों के जलकल विभाग। कर्मचारियों का मामले में बिल्कुल एक नंबर ढीला रवैया है। तो परिवार को ठेके में डालने का काम किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। ईएसआई कार्ड किसी के पास भी कर्मचारी के पास है नहीं। अधिकारी अनदेखा कर रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही। गाजियाबाद नगर निगम यूनियन के लोग लगातार विरोध प्रदर्शन करें, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे किन मांगों को लेकर ये आज ज्ञापन दे रहे हैं, क्या क्या इनकी मांगे हैं और किन मांगों को लेकर ये आज ज्ञापन दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राहुल चौहान वाल्मीकि है। मैं उत्तर प्रदेश से सफाई कर्मचारी संघ से जिलाध्यक्ष हूँ और नगर निगम में विगत 6-7 महीनों से हम लगातार इनको ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन हमारे ज्ञापन पर कोई सुनवाई नहीं दी जा रही है, अनदेखी की जा रही है, जो हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, क्या किन चीज़ों को लेकर आप ज्ञापन दे रहे हैं, क्या मांगे आप लोगों की हैं? मांगे हमारी इसमें विभिन्न मांगे हैं, 6 मांगे हैं इसमें जो मेन है। जैसे कि हमारे गबन घोटाला, 2760 बोर्ड कर्मचारी है हमारे यहाँ पे, जिसका 2400 कर्मचारी नियुक्त के दे पीएफ धनराशि का जो 10 करोड़ रुपए का इन्होंने घोटाला किया है स्वास्थ्य विभाग वालों ने। वहाँ के लिपिक और वहाँ के अधिकारी सब मिले हुए हैं और 10 करोड़ रुपए जब हमारे खून पसीने की कमाई के कर्मचारी की, उसको आज तक उनके खाते में नहीं डाला गया है। ठीक है, और ये हमारा जो CLC में जो 2700 कर्मचारियों को हमारे जो डालने का काम किया जा रहा है, हम अधिकारियों को चेताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, अगर इनको CLC में ठेकेदारी में डाला गया तो 5 तारीख से हमारी काम बंद हड़ताल होगी, जिसके जिम्मेदार नगर निगम होगा। और 36 तो हमारे सफाई कर्मचारी हैं जिनकी जो भर्ती होनी है हमारे, और समस्त जो हमारी चौथी मांग है, समस्त कार्यवाहक सफाई नायकों को स्थायी घोषित किया जाए, बोर्ड प्रस्तावित कर्मचारियों को, CLC के कर्मचारियों को मृत्यु उपरांत उनके परिवार को उन्हीं के पद पर समायोजन किया जाए, सेवानिवृत्त होने के उपरांत उनके परिवार की किसी की बोर्ड की प्रस्तावित नियुक्ति होनी चाहिए। और यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है उसके उपरांत उसके परिवार को नौकरी दी जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, उसको उसके परिवार को ठेके में डालने का काम किया जा रहा, जो कि बिल्कुल गलत है। और हमारी छठी मांग है, स्थायी सफाई कर्मचारी को मृत्यु उपरांत रिक्त पद पर उनके शासन अध्यक्ष द्वारा तत्काल प्रभाव से समायोजन किया जाना चाहिए। अच्छा, कब से आप ये इन मांगों को उठा रहे हैं, आपकी बात हुई अधिकारियों से, क्या कुछ उनका कहना रहता? हमारी 6-7 महीनों से हमारी लगातार कोशिश ये हो रही है ज्ञापन दे देकर, लेकिन हमें अधिकारी अनदेखा कर रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही, ना ही हमसे कोई वार्ता के लिए कोई हमें बुला रहा है कि भाई वार्ता के लिए जाए बैठ के। कोई भी रास्ता हमारा इस कर्मचारियों का इन्होंने निजात दिलाने का काम नहीं करा है, बल्कि यहाँ के तत्कालीन नगर आयुक्त, तत्कालीन मेयर, यहाँ पे जो इनको बोर्ड इनको ठेका प्रथा पे ढालने का ढकेलने का काम कर रही है, 25-30 वर्षों से यहाँ पे हमारा कर्मचारी काम कर रहा है, उनको जो 25-30 साल से काम कर रहा है, बजाय उनके पद उन्नति होनी चाहिए, ना कि उनको डिमोशन कर दिया जाए, उनको डिमोशन करने का एक काम करना है ठेकेदारी में। अब जैसे आपने बताया, अगर आप दोबारा मांगे नहीं मानी जाएंगी तो फिर काम बंद होगा? बिल्कुल, 5 तारीख से काम बंद हड़ताल है, 5 जोनों के कर्मचारी, 5 जोनों के ड्राइवर, 5 जोनों के जलकल विभाग और जितने भी माली है हमारे सारे हड़ताल पे होंगे। कैसे फिर गाजियाबाद में कैसे काम होगा फिर? देखिए, गाजियाबाद में बात काम की आए तो मैं फिर आपको बता देना चाहता हूँ कि दोबारा 2024 ये चल रही है, हमारा गाजियाबाद फिर गाजियाबाद प्रथम आया है नंबर 1 सफाई के मामले में, वो सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों की बदौलत। बिल्कुल, कि वो सुबह 5 बजे से निरंतर अपने काम पर पूरी मेहनत से ईमानदारी से कार्य करते हैं और शहर को स्वच्छ रखने का काम वो करते हैं। लगातार हम विगत 8 माह से लगातार यूनियन उनको, नगर निगम प्रशासन को अवगत करा रही है कि कुछ कर्मचारियों की समस्याएं हैं, उन पर बैठ के वार्ता हो जाए, उनका समाधान हो जाए, लेकिन उन्हें यूनियन को नगर निगम प्रशासन अनदेखी करने का काम कर रहा है। क्या कहना होता है नगर निगम, जब आप नगर निगम में बात करने के लिए जाते हैं? जाते हैं, अवगत भी कराते हैं हम नगर निगम के अधिकारियों को, लेकिन वही अनदेखी कर देते हैं, यानी ढीला रवैया नगर निगम का रहता है। बिल्कुल, कर्मचारियों का मामले में बिल्कुल एक नंबर ढीला रवैया है। और PF के मामले में मैं आपको बता दूं, ESI के में कोई कर्मचारी अगर बीमार हो जाए तो तत्काल कहां से ESI कार्ड उपलब्ध होगा? ESI कार्ड उपलब्ध नहीं हो पा रहे कर्मचारियों को। PF के मामले में प्रॉपरली कोई धनराशि जमा नहीं की जा रही, तो कहां से वो अपना वो कर पाएगा? फिर इलाज के लिए क्या करना होता है कर्मचारियों को? अधिकारी कह देते हैं
कि हम तो ESI वगैरह प्रॉपरली बना रहे हैं। कहाँ बना रहे हैं हमें दिखाइए ना। ESI कार्ड किसी के पास भी कर्मचारी के पास है नहीं। कैसे फिर इलाज करा पाते होंगे? कर्मचारी अपने जेब से करा रहे हैं, और नहीं उनके पास होता तो वो बेचारे उनकी अचानक से मृत्यु हो जाती है। कर्मचारी के पास इतना तो पैसा होगा नहीं कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा। कर्मचारी के इतने पास पैसा नहीं है। अगर कर्मचारी के पास पैसा होता तो क्यों सफाई का काम करता? गरीब आदमी है जब भी तो सफाई का काम करता है। उसके पास पैसा नहीं होता, वो किसी से कर्ज पानी लेके जब भी इलाज कराता है जितना वो कर सकता है, नहीं तो बाकी मर जाता है वो बेचारा। मांगे आपने रखी नगर निगम में, लगातार रख रहे हो आप मांग, समाधान कुछ निकल नहीं पा रहा। अब बताया जा रहा है कि हड़ताल पर आप लोग रहेंगे, लगता है कि निकलेगा कुछ समाधान? समाधान निकलेगा, नगर निगम चाहेगा तो समाधान निकलेगा। हम तो आपके माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं, नगर निगम को बताना चाह रहे हैं कि भाई हमारी मांग मान ली जाए, हम हड़ताल क्यों करेंगे अगर मान नहीं मांग जाए जाएंगे, नहीं तो काम बन रहा हड़ताल। आज आप ज्ञापन देंगे, फिर क्या लगता है ज्ञापन के बाद क्या कदम फिर रहने वाला? ज्ञापन के बाद अगर ये हमारी मांगे कर्मचारियों की मान लेंगे सारी, तो हम हड़ताल क्यों करेंगे, शहर को क्यों सड़ाएंगे? हम हमारे भाई हैं, भाई लोग हैं ये सब बेचारे, सुबह उठ जाते हैं, कार्य करते हैं अपना, इस शहर की सफाई व्यवस्था करते हैं, तो ये सड़ांगे क्यों जब इसकी इनों की मांगे मान ली जाएंगी? कहीं ना कहीं मानते हैं कि एक सफाई सुथराई का जिम्मा सफाई कर्मचारियों के कंधों पर होता है। देखो सबसे पहले तो निगम हमारा परिवार है, बिल्कुल हम अपने परिवार को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं, और माननीय आदरणीय महापौर जी से हम निवेदन करना चाहते हैं, क्योंकि वो नगर निगम की प्रमुख हैं, वो माननीय नगर आयुक्त से भी अगर वो आदेश करेंगे तो माननीय नगर आयुक्त भी उस चीज़ को मानेंगे। और रही बात सफाई की, तो हमारा एक एक सफाई कर्मचारी गाजियाबाद को एक नंबर लाने में आगे है, और सुबह 5 बजे भी काम करता है। अगर हम 5 बजे काम करते हैं तो हमारे सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह भी बढ़े, उनको नियमित भी किया जाए, और जो उनके फंड में घोटाला हो रहा है उसका भी उजागर किया जाए। ऐसा नहीं है कि हमारे कर्मचारियों का पैसा आ जा हुआ है, अरे हमारा पैसा काट रहे हो तो उसका हमें जवाब दो, नहीं तो हम तो सब भाजपा के लोग हैं, हम अपने ही घर में लड़ने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है हमें, जब हम भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी मानते हैं कि ये समाज हमारे साथ है, सफाई का काम हम करते हैं, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए हमारी मजबूरी बन गई है ये हड़ताल करने की। अगर निगम प्रशासन हमारी मान लेता है, माननीय महापौर जी हमारी मान लेती हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं ना कहीं स्वच्छता अभियान को लेकर प्रधानमंत्री खुद जागरूक हैं, और जो सफाई कर्मचारी हैं उन्हीं के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सफाई की होती है। कुछ और भी लोग उनसे बातचीत, अब 5 तारीख से जैसे कि बताया कि अगर मांगे नहीं मानी जाएंगी तो एक हड़ताल देखने के लिए मिलेगी, फिर काम कैसे होगा गाजियाबाद में? काम ठप होगा, 5 जोनों में बिल्कुल 5 तारीख से काम बंद, हड़ताल होगी पूरी ताकत से। फिर जनता परेशान होगी? जनता परेशान होगी तो इसमें जो है नगर निगम प्रशासन की जिम्मेदारी है, या तो वो बैठ के समाधान करे कर्मचारियों का जो समस्या है, और नहीं तो 5 तारीख से काम बंद हड़ताल होगी पूर्ण तरीके से। आपने ये बात नगर निगम में जाके बताई, अगर हमारी मांगे नहीं मानेंगे तो 5 तारीख से काम बंद कर देंगे? बिल्कुल, हमने अपने ज्ञापन द्वारा दोबारा उनको रिमाइंडर दिया है। रिमाइंडर में हमने खुलासा कर दिया कि 5 तारीख तक हमारी बातें अगर सुन ली जाती हैं तो ठीक है, नहीं तो हम 5 तारीख से पूरे गाजियाबाद की सफाई व्यवस्था ठप करने का काम करेंगे। फिर क्या कुछ कहा उन लोगों ने नगर निगम? कोई हमें संतोषजनक जवाब नहीं मिला, हमें केवल वो मीठी गोली देते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा, हो जाने पे कई साल बीत चुके हैं, कर्मचारी इतने मर गए हैं, आज तक उनकी नियुक्ति नहीं हुई है, कर्मचारियों के घरों में बिल्कुल भूखमरी के कगार पे हमारा कर्मचारी। नहीं चाहते इस शहर की फिजा ख़राब हो, हम नहीं चाहते इस, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन से हम जुड़े हुए हैं, माननीय प्रधानमंत्री से जुड़े हुए, माननीय योगी से जुड़े हुए, और मैं आपको एक बात बता दूं कि माननीय योगी जी पूरे तरीके से काम करने के लिए तैयार हैं, वो चाहते हैं कि स्थायी हो, लेकिन निगम के अधिकारी उनके आदेश को भी नहीं मानने को तैयार। अच्छा, आपने ऊपर फिर कहीं बात की कहीं आपने? हमारी विकास मंत्री जी से बात चल रही है, विकास मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्दी हमारे मांगों को पूरा किया जाएगा, हमें स्थायी किया जाएगा। हमारे जो आदरणीय श्री प्रदीप चौहान जी पूर्व पार्षद हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, हमने उनसे भी गुहार लगाई है कि हमारी बात को शासन प्रशासन तक पहुँचाया जाए, बड़े नेताओं के पहुँचाया जाए, अगर उन्होंने भी हमारी बात को अनदेखी किया तो हम उनके भी खिलाफ जाएंगे। अच्छा, यानी कहीं ना कहीं अगर बात नहीं मानी जाती है तो 5 तारीख को आंदोलन देखने के लिए मिलेगा क्या? मेरा नाम संजय टांक है, मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। क्योंकि शहर हमारा है, शहर की जनता हमारी है, हम भी इस शहर के नागरिक हैं, इस शहर की फिजा खराब हो
ये नहीं चाहते, इस वजह से हम लोग 8 महीने से लगातार ज्ञापन पे ज्ञापन दिए जा रहे हैं और टाइम पे टाइम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम मजबूरी में स्ट्राइक करने के लिए मजबूर होंगे इस निगम प्रशासन की वजह से। ये गूंगा बहरा जो प्रशासन निगम में बैठा हुआ है, मेयर बैठी हुई है, ये गूंगी बहरी, ये सुनने को तैयार नहीं है, सफाई कर्मचारियों की बात सुनने को तैयार नहीं है। तीनों विधायक हमारे चाहते हैं कि स्थायीकरण हो ठेके के सफाई कर्मचारियों का, लेकिन ये बोर्ड प्रस्ताव को ये कहती है कि बोर्ड प्रस्ताव के तो कर्मचारी नहीं है, बोर्ड प्रस्ताव तो है ही नहीं। जब बोर्ड प्रस्ताव के मान्य कर्मचारी नहीं है तो मान्य मेयर साहब आप भी तो बोर्ड में बैठती हैं, आप भी तो बोर्ड की प्रथम नागरिक हैं, शहर की प्रथम नागरिक हैं, आप जवाब दे हैं इसमें, आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर आप जवाब नहीं देते तो 5 तारीख से हमारा एक एक सफाई कर्मचारी रोड़ों पे होगा। जितना हमने स्वच्छ भारत अभियान में सहयोग कराया उसको हम देखते हुए निचारे थे कि शहर की फिजा खराब हो, लेकिन अब हमें मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा है कि 5 तारीख से हम लोग काम बंद हड़ताल करेंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं मान दें जिस तरह से गाजियाबाद नंबर वन स्वच्छता के नाम पर आया, अगर कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे तो फिर गाजियाबाद का नाम नीचे हो सकता है। देखो, बनाने में टाइम लगता है, किसी भी चीज को बनाने में टाइम लगता है और बिगाड़ने में कोई टाइम नहीं लगता, क्योंकि हमने गाजियाबाद को इस सफाई कर्मचारियों ने खून पसीने से इस गाजियाबाद को नंबर वन लाने का काम करा है पूरे उत्तर प्रदेश में, लेकिन हम नहीं चाह रहे थे। इसी यही कारण है कि हम 8 महीने से लगातार अधिकारियों को, मेयर साहब को, सबको हम अपने ज्ञापन के माध्यम से अवगत करा रहे हैं, लेकिन सफाई कर्मचारियों की, सफाई कर्मचारी यूनियन के नेताओं की, सबकी अनदेखी की जा रही है। इस कारण हम मजबूर होकर जो है काम बंद हड़ताल करेंगे और शहर की जो सफाई व्यवस्था ठप होगी, गंदगी होगी, उसकी जिम्मेदार स्वयं मेयर साहब होंगी और नगर आयुक्त होंगे, नगर स्वास्थ्य अधिकारी होंगे। तो साफ तौर पर ये नगर निगम के यूनियन के कर्मचारी हैं जिन्होंने अपनी बातें बताई। साफ तौर पर इनका कहना है कि 8 महीने से ये लोग नगर निगम में अपनी गुहार लगा रहे हैं, लेकिन नगर निगम इनकी बातों को सुनकर अनदेखा कर रहा है। अब 5 तारीख का इनके द्वारा नगर निगम को चेतावनी दी है, अगर नगर निगम इनकी बातों को नहीं सुनता तो गाजियाबाद में काम बंद कर दिया जाएगा। सोनू खान, जनरल टाइम्स, गाजियाबाद।